एक जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में बहुत से जीव रहते थे। वही तालाब के पास एक वृद्ध बगुला भी रहता था, जो कि बहुत बूढ़ा होने के कारण मछलियों का शिकार करने में असमर्थ हो गया था और अक्सर उसे भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन जब बगुला तालाब के किनारे बैठा था, तब उसे एक तरकीब सूझी और बगुले ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बगुले को रोता देख एक केकड़ा तालाब से बाहर आया और बगुले से पूछा, क्या हो गया है बगले, क्यों रो रहा है पगले तू? ए केकड़ा भाई, मैंने एक आकाशवाणी सुनी है कि इस तालाब का पानी जल्द ही सूख जाएगा और यहाँ के सभी जीव मर जाएंगे। बस इसीलिए मेरी आंखों में आंसू है। और अम्मी जान कहती थी कि हो सके तो किसी का भला कर दो। अच्छा है। केकड़े ने यह बात तालाब में जाकर सभी को बताई और सभी जीव इकट्ठा होकर मदद लेने बगुला के पास आए और बगुला से बोले, अला बगुला भाई, क्या आप हमें सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सकते हैं? हाँ दोस्तों, यहाँ थोड़ी दूरी पर ही एक विशाल तालाब है। मैं तुम सब लोगों को कुछ ही दिनों में वहाँ पहुँचा दूंगा। सभी जीव मान गए। बगुला एक एक करके मछलियों को ले जाता और उन्हें एक चट्टान पर ले जा करके खा जाता। अब बगुला बहुत खुश था क्योंकि उसे बिना किसी मेहनत के उसका भोजन मिल रहा था। यह सब कुछ दिन चलता रहा। फिर एक दिन केकड़े की जाने की बारी आई। केकड़ा बगुले की पीठ पर बैठ गया और बगुला भी उड़ चला। कुछ दूरी पर केकड़े ने बगुले से पूछा, क्यों बगुले, खुश तो है ना मछलियाँ वहाँ, तू ले जा रहा है मुझे जहाँ? बगुला सोचने लगा कि अब इसे सब सच बता ही देता हूँ क्योंकि इसे भी अब मैं खाने ही वाला हूँ। नहीं बच्चे, मैंने तो झूठ कहा था, ऐसा तो कोई तालाब है ही नहीं। और हाँ, जो मछलियाँ मैं ले गया था वो सारी मछलियाँ मेरे पेट में खुश हैं और अब तू भी वहीं जाने वाला है। केकड़े ने सोचा, यदि यह दुष्ट बगुला जीवित रहा तो उसका और तालाब के सभी जीवों का जीवन संकट में आ जाएगा। यह सोचकर केकड़े ने अपने तेज पंजे बगुले की गर्दन में गाड़ दिए। ये तूने अच्छा नहीं किया बगुले, अब मरेगा बगुला। बगुला धरती पर जा गिरा और मर गया। बहुत फड़फड़ा रहा था, जान बचाएगा सबकी। केकड़े ने यह सारी बात वापस तालाब पर जाकर सभी जीवों को बताई। सभी जीवों ने समझदार केकड़े की प्रशंसा की और उसका धन्यवाद किया।